गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और अब मैं रेडी हो रही हूँ ससुराल जाने के लिए। तो सुबह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया, एक्चुअली मेरा मन ही नहीं कर रहा था सच बताऊँ, बट अभी अब जाने का टाइम आ गया तो मुझे लगा कि चलो थोड़े बहुत क्लिप्स शूट करते हैं और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ और मम्मी भाभी लोग उधर नाश्ता वगैरह बनाने में लगी हैं। कुछ नाश्ता बाहर से आ गया है और कुछ घर में मुंगौड़े टाइप का और मिठाई ये सब कुछ दे रही हैं। और यहाँ पर अभी आपको दिखाऊँ तो मुंगौड़े गर्मा गर्म बन रहे हैं और एक तरफ पूड़ियाँ भी बनती जा रही हैं। तो पूड़ियाँ यहाँ के लिए नहीं है, वो ले जाने के लिए, क्योंकि हमारे साइड का ऐसा होता है ना कि जब बेटी जाती है तो टोकरी में, मतलब बांस वाली जो टोकरी होती ना, उसमें पूड़ी दी जाती है। और ये यहाँ पर कुछ नाश्ता करा दिया गया है, जैसे मिठाई, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स वगैरह, और मुंगौड़े अभी दिए जा रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ, हाँ दिखा दीजिए इधर भी पूरा महंगे कंघे करके ना। आजकल मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। मेरी दोनों ननन रानी आई हैं मुझे लेने। दिखाऊं ससुराल से ना फर्स्ट टाइम कोई आया है ऐसे, मतलब ना लेडीज़ और लड़कियों में, वरना आज तक 4 साल हो गए कोई नहीं आया। शादी में भी सब आदमी आए क्योंकि इतना दूर था तो सब डर रहे थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। और फिर 4 साल से कोई आया ही नहीं, तो बड़ी खुशी हो रही कि चलो पहली दफ़ा कोई तो आया ससुराल से लड़कियों में, औरतों में। खुशी मुस्कान दोनों आई हैं। अरे अंधेरा आज आ रहा है, अभी भी अंधेरा। चलो अभी तो बहुत लंबा सफ़र है, मिलते ही रहेंगे। और मैं जल्दी जल्दी जो भी बचा है मेरा सामान उसको भी मैं रख लेती हूँ। और हल्का मैंने ना ऐसी सिंपल बना लिया है क्योंकि इतना लंबा सफ़र है ना कि अभी वैसे भी हालत पूरी पंचर हो जाना है, तो बहुत ज़्यादा साज सज्जा करने का मन तो मतलब रहता है, औरतों का मन करता ही है सजने का। और ठीक ठाक तैयार हो भी गई हूँ, जितना होना चाहिए, इससे ज़्यादा क्या होते हैं। और चलते हैं, अभी मैं इसको भी रख लेती हूँ, मेकअप वाला जो मैंने पाउच निकाला हुआ था, और सारा सामान मेरा किस तरीके से पैक रखा हुआ है मेरे ही रूम में। और गाड़ी में रखवाएंगे, निकलेंगे क्योंकि 5 बज गया है यहाँ ही। और थोड़ा सा ना बच्चे को लिए हैं, झालर वाले बच्चे को, तो बहुत लेट भी नहीं कर सकते हैं, तो अब निकलेंगे यहाँ से 5:30 तक तो निकल ही लेंगे। जाने का टाइम आ गया है तो मैं भी खा लेती हूँ। रिंगू के यहाँ कभी ना सारा सामान आया, सबको खिलाया गया है, तो अभी ऐसे ही रिंकू देने लगा क्या टिक्की? अभी तक तो नहीं देता था, लेकिन ये ऐसे ना ऐसे कुल्हड़ में टिक्की भेज रहा है, दिखाऊँ आपको। तो मैं राइस भी, ये तो टिक्की है, थोड़ा सा मैं मंचूरियन खाऊंगी, मंचूरियन राइस है, टिक्की है, ग्रेवी खाऊंगी, थोड़ा सा बिल्कुल अच्छा लगता है मुझे। मुझे मतलब ना नूडल्स के साथ, राइस के साथ, वो दोनों के साथ इतना अच्छा नहीं लगता जितना खाली मंचूरियन खाने में अच्छा लगता है। मेरे आँख में ना बाल फंस गया, तो अभी ठंडा हो गया। वैसे मैं रेडी होने लगी ना, सबने खा लिया है, बस मैं ही रह गई हूँ जाने वालों में, बाकी सबको तो यहीं रहना है। मैं राइस नहीं खाऊंगी, देखो वीडियो बन रही है, तो मैं खा दूँ। अब मैं जा रही हूँ, बहुत टेस्टी है, लेकिन ठंडी हो गई है। अगर एकदम गरम गरम होती ना तो और भी ज़्यादा अच्छी होती। चलते हैं अंदर रूम में ही, मैं लेकर के चलती हूँ और बस जल्दी जल्दी खा लेती हूँ। पापा का अभी अभी फ़ोन आया था, और ये है मंचूरियन, इतना पूरा नहीं मैं खाऊंगी, बेकार हो जाएगा। अरे नहीं भाई, इतना पूरा थोड़े ना खा पाऊंगी, एक दो बॉल्स ले लूंगी यहाँ। भाभी देखो जबरदस्ती खिलाने में लगी हुई है, तो मैं पहले टिक्की खाती हूँ, बाद में देखा जाएगा। और अभी यहाँ पर भाभी मेरे पैरों में आलता लगा रही है। तो हम लोग के यहाँ ऐसी है ना, जब बेटी जाती है मायके से ससुराल, तो उसके पैरों में ये आलता रंग जरूर लगाया जाता है, मतलब ऐसे खाली पैर नहीं जाने देते हैं, तो वही भाभी लगा रही हैं। और अभी अब जाने का टाइम आ रहा था ना, तो बहुत अजीब सा लग रहा था, बड़ी घबराहट सी हो रही थी, और मतलब ना बड़ा मन अजीब अजीब सा हो रहा था। Thank you.
अभी अब बिल्कुल जाने का टाइम आ गया, आप आखिरी मोमेंट बोल सकते हो इसको। तो यहाँ पे मैं अब चावल डाल रही हूँ। तो हमारे यहाँ ना कुछ ऐसे ही बुंदेलखंड या यूपी में पूरी जगह होता होगा, मुझे इतना आइडिया नहीं, बट हाँ हम लोग के साइड ये चीज़ होती है। जब बेटी मायके से ससुराल जाती ना, तो ऐसे ये चावल के ना साथ ऐसे रखे जाते हैं और फिर निकल करके बाहर जाया जाता है। मम्मी अभी तिलक कर रही है हमको सबको, और उद्दू जब से अपनी बुआ और चाचू लोग को पाया ना, इतना खुश था, खेल रहा था ऐसा, मतलब उसको लग ही नहीं रहा था कि फर्स्ट टाइम मिल रहा है, तो थोड़ा सा ना वैसे रिएक्ट करे कि नहीं पहचानता। आखिरी मोमेंट बहुत ही अजीब होता है, और अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि किससे मिलूं, क्या करूं, क्या ना करूं, और इतना अजीब लग रहा था जाने में, लग रहा था कि हाँ चलो जल्दी से ये ख़त्म हो और मैं गाड़ी में बैठ जाऊं, क्योंकि सब लोग फिर रोते हैं, सब लोग इमोशनल हो जाते हैं, खुद भी हो जाना होता है तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, और बस लगता है ना कि हाँ चलो अभी गाड़ी में ही बैठ जाओ, वरना जितनी देर खड़े रहोगे ना उतनी देर ही। और मम्मी आते टाइम बहुत ही ज़्यादा रोने लगी थी, इतना ज़्यादा पहले मुझे समझ में नहीं आया, मैं सोचूं चलो ऐसे ही जाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा मम्मी रोने लगी ना कि फिर मम्मी को देख करके मुझे भी बहुत ज़्यादा रोना आ गया, और हम दोनों माँ बेटी बहुत ज़्यादा छुपक करके रोए, और पहली बार इतना ज़्यादा मम्मी भी रोई, मैं भी रोई। मुझे तो लगता है विदाई में भी इतना ज़्यादा मम्मी नहीं रोई होगी जितना इस बार मेरे जाने पर रो रही थी। कहाँ चल रहे हो अपने घर? ये एक्साइटेड है, पूरी रात से एक्साइटेड रहे तो ज़्यादा ठीक है। चाचू तो हैं ही फिर इसके संभालने वाले, अभी तो ना बहुत दिन बाद बाहर दूर का नजारा पाया है, तो उसी को देख लेने से। एसी चल रही है ना? अरे ठीक है, थोड़े थोड़े चले, थोड़ा वही भाभी कम थोड़ा चलाएंगे, नहीं ज्यादा, थोड़े थोड़े आदत तो इसकी डलवाना ही है। देख ये क्या, देख पूरी नजर इसकी फोन में है, अब नहीं दिखाएंगे। अरे भैया के लगी वीडियो कॉल लगा, जाओ थोड़ी देर, खुशी बहुत पास है, एक घंटा हुए टाइम पास हो गया, समझे भाभी? हां भैया फोन करा घरे पहुंच गए, कहते वीडियो कॉल करिए, एक घंटा भैया टाइम पास हो गया, एक घंटा बाकी लगा था मम्मी। अभी आजकल अपने पापा को ज्यादा लिफ्ट नहीं मारता है। पीछे पूरा का पूरा गाड़ी भर गई है सामान से। व्यू भी आप लोग को दिखा देती हूँ, और इसके आगे फिर मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था, और रात भी हो गई थी, और मेन चीज़ क्या है कि मुझे इतना ज़्यादा मैं थक गई थी ना कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया कैमरा ऑन करने का, और वैसे भी ससुराल के तो अभी अब आगे वीडियो आप लोग को मिलने ही वाले हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।